तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं काली लिक्स फाइनली। और तो चलिए शुरू करते हैं काली लिक्स इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले हमको ISO फाइल चाहिए या DD में चाहिए, जो कह लीजिए। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमको जाना है अपने काली लिनक्स के वेबसाइट पे। तो काली लिनक्स के वेबसाइट पे जाने के लिए काली लिनक्स टाइप करेंगे सिंपल सा गूगल में। और इससे काली लिनक्स का ये फर्स्ट वेबसाइट है kalilinux.org/download, यही है उसका लिंक। तो इसको खोल लेंगे। खुल गया, डाउनलोड खुल गया। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देख रहे हैं, देख सकते हैं। ये काली लिनक्स 32 बिट है, 64 बिट है, काली लिनक्स लार्ज है। हम काली लिनक्स लार्ज करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा पैकेज चाहिए। उसके काली लिनक्स लाइट है, काली लिनक्स लाइट LXDE है, माटे है, ये सब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। KDE, XCFC, XFCE, ये सब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है अलग अलग, तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मेरा हमको चाहिए काली लिनक्स लार्ज, तो हम टोरेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे क्लिक करने से सीधे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप टोरेंट से अगर जानते हैं कैसे करना है, आप टोरेंट से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से टोरेंट लिंक डाउनलोड कर लेंगे। देखिए आ गया। और इसको सेव करने, हम ऑलरेडी जो है सो मेरा डाउनलोडिंग हो रहा है, तो इसको आगे हम नहीं करेंगे और इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो आगे का उसके बाद हम बेसिकली कॉपी करेंगे वहाँ से, मतलब ISO फाइल जहाँ पे हम इसको रखे हुए हैं। अच्छा, फोल्डर इज एम्प्टी बता रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। लॉक नहीं खुला है इसलिए एम्प्टी बता रहा है। अब फिर से ट्राई करते हैं, फिर भी एम्प्टी बता रहा है। अब मेरे ख्याल से एम्प्टी नहीं बताएगा। देखिए आ गया। उसके बाद हम बेसिकली वो फाइल कॉपी कर लेंगे डाउनलोड से। ये रहा काली लिनक्स ISO टोरेंट, नहीं ये नहीं है, इसमें नहीं है, ये इसमें होना चाहिए। ये रहा, ये है ISO, इसको कॉपी कर लेंगे और डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देंगे। ये टाइम लेगा, तो होने देते हैं तब तक। कॉपी ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं कॉपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट। तो उसके बाद वो बेसिकली हम थोड़ा सा कन्फ्यूज थे इसलिए। उसके बाद बेसिकली इमेज, उसके बाद हम अपना पेन ड्राइव या कार्ड रीडर में SD कार्ड जो भी हो, जो भी कह लीजिए, वो लगाएंगे। और ये हम लगा दिए, लग गया मेरा। ये कैनन DC शो कर दिया। कैनन कैसे शो कर रहा है? बेसिकली ये फ़ोटो अच्छी था ना इसलिए। उसके बाद हम एक एप्लीकेशन यूज करेंगे जिसका नाम है बलिना एचर। आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको ईज़ली। बलिना एचर लिनक्स विंडोज सभी के लिए आता है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक जो है सो डिटेक्ट कर लिया कार्ड। उसके बाद इमेज सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप पे इमेज होगा काली लिनक्स ISO। इसको बेसिकली सेलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देंगे। और इसके बाद ये बेसिकली होना शुरू हो जाएगा। 12 Mbps हो रहा है स्पीड, देख सकते हैं हो रहा है धीरे धीरे। तो इसको होने देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 97, उसके बाद
98, उसके बाद 99, हो जा 99, उसके बाद 100, उसके बाद एक बार वैलिडेटिंग लगा, ये भी होने देते हैं, ये जल्दी हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। अब बेसिकली हम करेंगे इसको, मतलब इस यूएसबी को बूट करेंगे बायोस में। पहले एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे हम इसके लिए। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कहाँ है हमारा, ये रहा जी पार्टेड, पासवर्ड डालेंगे, करेक्ट हो पासवर्ड डालेंगे, जी पार्टेड खुल गया। एक पार्टीशन बनाएंगे 200 MB का, बराबर कितना होता है मुझे कैलकुलेट करने दीजिए। कैलकुलेट करके पता चल जाएगा कि कितना होता है, 200 मतलब 1 GB होता है 1024 मतलब MB, ठीक है, गुने 200 मतलब 204.800 204 800, उसके बाद 204 800 हो गया। प्राइमरी पार्टीशन होगा, इसका नाम डालेंगे काली, इसका नाम भी डालेंगे काली, और इसका पार्टीशन टाइप डालेंगे EXT4 और ऐड कर देंगे, और बेसिकली चेक मार्क लगा देंगे, और ये बेसिकली एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। ऑपरेशन कंप्लीटेड हो जा, ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब बेसिकली चेक कर लेते हैं, देखिए 200 MB का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली मिलते हैं आपसे इसको रिबूट करने के बाद। तो ये रहा सिस्टम, और सिस्टम को बेसिकली रिबूट करना है, जाते हैं यहाँ पे और बेसिकली ये, और पावर ऑफ होने देते हैं। पावर ऑफ होने में टाइम लगेगा, उबंटू है मेरा फिलहाल, और पावर ऑफ हो गया। अब साथ में जो है बेसिकली हमको एक की दबाते, हमको पावर बटन के साथ एक की प्रेस करना है, जिसको बोलते हैं F12 की, F12 दबाते रहना है। देखिए खुल चुका है बेसिकली
यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद F12 दबाते रहेंगे, बायोस में आ गए। इसमें बायोस सेटअप में जाएंगे, पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे हमको बूट सीक्वेंस में जाना है और एडवांस बूट ऑप्शन में जाना है और इनेबल लीगेसी रोम ऑन करना है। ओके, और बूट सीक्वेंस में जाना है और लीगेसी ऑन नहीं हुआ, लीगेसी रोम ऑन नहीं हुआ, क्या बोल रहा है। अच्छा, सिक्योर बूट में है अभी, तो सिक्योर बूट हम डिसेबल कर देंगे। सिक्योर बूट डिसेबल कर देंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, उसके बाद लीगेसी ऑन कर देंगे, उसके बाद जाके बूट सीक्वेंस में लीगेसी डाल देंगे। अप्लाई कर देंगे और एग्जिट करते हैं। अब ये रिस्टार्ट होगा अपने आप। तो उसके बाद बेसिकली हम रिस्टार्ट होने के बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालेंगे और बेसिकली ये ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल लाइव यूएसबी क्या है लाइव एएमजी 64 नहीं इंस्टॉल करेंगे, ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक कर दिए। ये आ गया, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, माउस नहीं काम कर रहा है, भाई। अरे यार, काले लिनक्स में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कह रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है, ट्रैक पैड नहीं काम कर रहा, एक्चुअली माउस है ही नहीं, ट्रैक पैड नहीं काम कर रहा। तो मैनुअली जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यूनाइटेड स्टेट नहीं इंडिया डालेंगे, इसमें इंडिया से हम इंडिया, उसके बाद टैब में कंटिन्यू, उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, टैब में कंटिन्यू, डिटेक्टिंग हार्डवेयर टू फोन डिटेक्ट एंड माउंट सीडी ड्रोन। यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों? अच्छा, लोडिंग एडिशनल कंपोनेंट देख सकते हैं, इंस्टॉलर कंपोनेंट फ्रॉम सीडी। पहली बार हम जब काले लिनक्स इंस्टॉल किए थे बहुत पहले, तो यहीं पे आके हम फंस गए थे, उसके आगे हो नहीं रहा था क्योंकि हम इसको बेसिकली अथी से क्या बोलते हैं
रूफस से इंस्टॉल करने का कोशिश किया था। ये डिटेक्ट कर रहा है नेटवर्क हार्डवेयर और तो रूफस से इंस्टॉल करने का कोशिश किए थे तो हम ISO इमेज बना लिए थे। यहाँ पे कुछ लिख रहा है, सम ऑफ योर हार्डवेयर नीड्स नॉन फ्री फर्मवेयर फाइल्स टू ऑपरेट द फर्मवेयर कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द रिमूवेबल मीडिया USB और एज अ स्टिक और फ्लॉपी द मिसिंग फर्मवेयर फाइल आर जो भी है। उसके बाद इफ़ यू हैव सच मीडिया अवेलेबल इंसर्ट नाउ एंड कंटिन्यू, नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसके आगे क्या होना चाहिए, हाँ कुछ आने रहा है, हाँ ये भी आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पे है योर सिस्टम हैज मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस चूज द वन टू यूज एज प्राइमरी नेटवर्क इंटरफेस ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन इफ पॉसिबल द फर्स्ट कनेक्टेड नेटवर्क इंटरफेस फॉन्ट्स टू बी हैव बी सेलेक्टेड। तो हम यहाँ पे क्वालकॉम नहीं करेंगे, यहाँ पे रियलटेक सेमीकंडक्टर करेंगे। क्वालकॉम यहाँ पे वायरलेस है और इथरनेट यहाँ पे वायरलेस नहीं है। अच्छा हाँ क्वालकॉम वाईफाई है और ये रियलटेक सेमीकंडक्टर जो है PCI कंट्रोलर है, यानी कि इथरनेट वायर्ड। तो हम वायरलेस पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये इसको SSID मैनुअली डालना पड़ेगा, तो हम तो हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं। बैक जाते हैं, अच्छा बैक जाने के बाद यहाँ आ गए ना। कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सेटअप यूज़र एंड पासवर्ड, तो कंटिन्यू यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, नोकिया 8.1 आ गया। WAPS के पासवर्ड डालना है, पासवर्ड क्या है इसका, पासवर्ड है, पासवर्ड डाल देते हैं। Attempting to exchange key with the access point. The connection successfully. उसके बाद hostname DDS. ठीक है DDS ठीक है, कंटिन्यू। डोमेन नेम DDS
कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, रूट पासवर्ड, रूट पासवर्ड हम डालेंगे और रूट पासवर्ड गलत हो गया क्योंकि हम दोबारा नहीं डाले थे। और हो गया सेटिंग अप क्लॉक, सेटिंग अप द क्लॉक, डिटेक्टिंग डिस्क एंड लोडिंग एडिशनल पार्टीशन डिस्क, यहाँ पे मैनुअल डालेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे उबुंटू के बाद, उबुंटू के बाद फ्री एसपीएस है, उसका 32 है, उसके बाद 214 GB का जो फाइल है जो एसपीएस है काली जिस पर लिखा हुआ उसी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है, उसके बाद टैब कंटिन्यू, पार्टीशन नेम काली, पार्टीशन नेम काली, बूट फ्रेम ऑफ यू आर एडिटिंग पार्टीशन, दिस पार्टीशन इज फॉर्मेटेड बी EXE4 जनरल सिस्टम, पार्टीशन सिस्टम डू नॉट यूज एज, डू नॉट यूज रूट फ्लैग, रिसाइज द पार्टीशन करंट साइज। तो यहाँ पे हमको इट इज डाटा ऑन पार्टीशन यस करना है, इरेजिंग अरे यार ये टाइम लेगा, अभी बहुत टाइम लेगा, तो इसको होने देते हैं उसके बाद बात करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली सिस्टम कॉपी होना शुरू हो चुका है, इंस्टॉलिंग द सिस्टम, और इसके बाद सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद देखते हैं। अब बेसिकली उसके आगे आ चुके हैं, अब ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं, तो होने देते हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम सिस्टम को रिबूट करेंगे। बेसिकली टैब और कंटिन्यू फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन।